खबर राजधानी रायपुर से है, जहां के साइंस कॉलेज मैदान में भाजपा के किसान महाकुंभ जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। बता दें कि किसान महाकुंभ को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार किया और जिसके चलते भाजपा की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनी। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ का खजाना खाली कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार खजाना भरने का काम कर रही है और यह काम बीजेपी ही कर सकती है। वहीं किसान महाकुंभ को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कल दोपहर 2 बजे महतारी वंदन योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़कर महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि जारी करेंगे। 12 तारीख को किसानों को उनके धान की अंत राशि 970 रुपए प्रदान की जाएगी। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज किसानों के इस महाकुंभ में पूरे छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले जोर का जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज माता कौशल्या की धरती, धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ और रायपुर की पावन धरती में आयोजित किसानों के इस महाकुंभ में, आज के इस किसान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अनेकों पदों को सुशोभित किए हैं, भारत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जिनका छत्तीसगढ़ को बहुत स्नेह मिला है, प्यार मिला है। मैं चाहूंगा आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ अथवा जुहार कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर छत्तीसगढ़ के आप सभी किसान बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी 2023 के दिसंबर में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी साहब बोल रहे थे, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और साथ ही विष्णुदेव जी साय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी साय इतना अच्छा बोलते हैं, पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए विष्णुदेव जी साय को मैंने देखा है। और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी।